इसको हम कंप्लीट करने की बात करें तो 8 से 9 महीना तक में आपको इसका एग्ज़ाम से लेके पूरा प्रक्रिया इसका कंप्लीट करा दिया जाएगा। जोश है, जुनून है, जज्बा है, इसको कभी मरने नहीं देना, ठीक है। और तैयारी करते रहो, एक न एक दिन अपना होगा, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद। कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोग को बताते हुए खुशी हो रहा है कि आप लोगों ने जिसका इंतजार कर रहा था RPF वैकेंसी का, वो 4660 पोस्ट आप लोग के सामने है। 15 अप्रैल से आप लोग का फॉर्म भराएगा और इसका हाइट, सिलेबस, एज क्या है, कैसे तैयारी करना है, इसका टोटल चीज़ आज आपको बताते हैं हम, ठीक है। बाबू, RPF का जो वैकेंसी निकला है इसमें कुल मिला के 4660 पोस्ट है, ठीक है, जिसमें कि आपका कांस्टेबल का पोस्ट 4208, यानी कि 4208 पोस्ट आपका कांस्टेबल का। उसके बाद सब इंस्पेक्टर का पोस्ट इसमें 452 है आपका, ठीक है। इसके अप्लाई का डेट आपका 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है और 14 मई तक इसका अप्लाई होगा, ठीक है, RPF का। आप लोग को फीस के बारे में बता दें तो जो जनरल कैटेगरी के हैं और जो OBC कैटेगरी के हैं उसको ₹500 फीस लगेगा फॉर्म भरने का, ठीक है। अगर आप लोग एग्ज़ाम देते हैं, आप लोग का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं होता है, अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो अगर एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो ₹400 आपके बैंक अकाउंट में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, ठीक। बाकी SC ST प्लस फीमेल की बात करते हैं हम तो ₹250 आपको फॉर्म भरने का चार्जेस लगेगा, ठीक है। इसमें भी वही सिस्टम है, अगर आपने एग्ज़ाम दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो फिर पैसा नहीं मिलेगा, देता है तो फिर आपको रिटर्निंग मिल जाएगा इसमें, ठीक। बाकी एज की अगर हम बात करें तो 1 जुलाई 2024 तक में, ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक में आपका 18 साल कम से कम हो जाना चाहिए, ठीक। बाकी जनरल और OBC की बात अगर हम करते हैं तो 18 से लेकर 28 साल तक आपको फॉर्म भरने का एज है, ठीक। अगर मान लेते हैं कि जैसे मेरा सपोज अभी 25 है, ठीक है, या 24 है, तो अभी हम फॉर्म भर सकते हैं RPF का। ऐसे ही 18 साल से लेकर 28 साल तक के एज जिसका भी अभी हो रहा है वो RPF का फॉर्म भर सकते हैं। बाकी SC ST का बात करते हैं तो वो 18 साल से लेकर 33 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। OBC की बात करें तो 18 साल से लेकर 31 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि कोरोना के वजह से आपको 2 साल तक का टोटल छूट मिला है, ठीक है। अगर RPF कॉन्स्टेबल में हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 10th पास, अगर आप 10th पास हैं तो आप RPF का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। उसमें भी आपका डिग्री, आपका कितना परसेंटेज है ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। अगर आप पास हैं तो फिर आप 10th पास तो आप RPF का फॉर्म भर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है भाई, तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, ये लड़की और लड़का सबके लिए है, ठीक है। इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले आपका रिटर्न होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिर आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका DV होगा, DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। एक बार अगेन हम बता देते हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले रिटर्न, उसके बाद फिजिकल, फिर आपका मेडिकल, उसके बाद आपका DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। अब अगर हम रिटर्न की बात करते हैं बाबू, तो रिटर्न आपका निगेटिव मार्क्स 1/3 है, ठीक है। ये रेलवे की जितना भी आप फॉर्म भरेंगे, उसका एग्ज़ाम देंगे, तो 1/3 इसका निगेटिव मार्क है। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहने वाला है, 35 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, ठीक है। बाकी 50 क्वेश्चन आपका GK और GS का कुल मिला के 120 क्वेश्चन रहने वाला है। 120 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 120 नंबर का हो गया। बाकी समय की बात करें तो बाबू, समय आपको 90 मिनट, यानी कि आपको 1.5 घंटा का समय पूरे 120 क्वेश्चन पे मिलने वाला है, ठीक है। अगेन सिलेबस बताएं तो हम 35 क्वेश्चन आपका रीजनिंग, 35 मैथ और 50 क्वेश्चन आपका GK GS का रहने वाला है, ठीक। फिजिकल की अगर हम बात करते हैं तो मेल का सबसे पहले इसमें आ जाता है आपका हाइट। मेल का हाइट आपको 165 सेंटीमीटर, जो ऐसे बता सकता है कि आपको बिहार पुलिस में जो 165 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए वो आपका इसमें लगता है, ठीक है। बाकी लड़की का 157 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए। अब SC ST की बात करें तो 160 सेंटीमीटर SC ST का हाइट चाहिए लड़का का, और लड़की का 152 सेंटीमीटर लड़की का हाइट चाहिए फिजिकल के हाइट के लिए, ठीक है। बाकी लड़का का 80 से 85 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल के टाइम में अगर नाप होता है तो, नाप वैसे होगा तो 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे बिहार पुलिस में 1600 मीटर का रनिंग होता है, आपका 6 मिनट आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है, वैसे ही RPF के वैकेंसी में ऐसा नहीं है दोस्त। RPF के वैकेंसी में आपको 1600 मीटर का रनिंग तो होता है लेकिन इसमें आपको टाइम कम मिलेगा, यानी कि 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में मारना है, ठीक है। बाकी लड़की का बात अगर हम फिजिकल के लिए करें तो इसमें आपको रनिंग 800 मीटर का होगा और 3 मिनट 45 सेकंड आपको टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक। अगेन हम रिपीट कर देते हैं, 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में लड़का के लिए, लड़की की बात करें तो 800 मीटर आपको 3 मिनट 45 सेकंड आपको टाइमिंग है, ठीक। बाकी उसके बाद आपका होता है इसमें लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लड़का के लिए 14 फीट और लड़की के लिए 9 फीट, लड़का के लिए 14 फीट और लड़की के लिए 9 फीट। बाकी इसके बाद आपका आता है हाई जंप।
हाई जंप 4 फीट लड़का के लिए और 3 फीट लड़की के लिए। ऐसे बिहार पुलिस से तुलना किया जाए तो रनिंग सेम है, लॉन्ग जंप बिहार पुलिस में नहीं होता है, ठीक है। आपका आरपीएफ में ले रहा है तो ये मतलब ऐसे बोल सकते हैं कोई चैन पुलिंग करता है या कहीं छीना छपटी होता है, तो इस वजह से मतलब इसका फिजिकल थोड़ा हार्ड है, ठीक है। उसके बाद इसका रिटर्न भी हार्ड है दोस्त। वैकेंसी कम है लेकिन कंपटीशन बहुत बड़ा है, ठीक है। तो तैयारी आपको अपने तरीके से करना है, ठीक। अब अगर हम आरपीएफ कांस्टेबल का आप तैयारी कैसे करेंगे इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किरण पब्लिकेशन को आपको टोटल बुक ले लेना है, ठीक है। सॉल्व पेपर हो गया, प्रैक्टिस सेट हो गया, आपको किरण पब्लिकेशन का लेना है, ठीक। आपको बता दें कि जीके जीएस के लिए आप किरण पब्लिकेशन का सार संग्रह ले लीजिएगा, ठीक है, जिसमें कि आपके खान सर के रिलेटेड है। उसके बाद मैथ का आ गया, उसके बाद आपका रीजनिंग का हो गया। ये टोटल लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके बाद आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहाँ पे हम लिंक भी और कौन सा बुक है कैसा उसका स्क्रीनिंग हम वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। वैसे हम डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक भी और बुक का भी लिंक दे देंगे। आप वहाँ से जाके अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर आप अपने ऑफलाइन दुकान जहाँ पे वहाँ किरण पब्लिकेशन का बेस्ट बुक है भाई, इसीलिए हम प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप ले सकते हैं इसको। दोस्त अगर हम आरपीएफ एसआई की बात करते हैं तो इसमें एज आपका 20 साल से लेके 28 साल तक, यानी कि ग्रेजुएशन फाइनल होना चाहिए आपका, ठीक है, तभी आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। तो एक सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे, प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप आरपीएफ में जो दो वैकेंसी निकला है, एक कांस्टेबल का एक एसआई का, इसमें आप दोनों फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, कांस्टेबल का भी और एसआई का भी। जिसका ग्रेजुएशन कम्प्लीट है तो उसका तो बल्ले बल्ले है, वो ये भी भरेगा वो भी भरेगा, और सिलेबस सेम है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं है इधर उधर का। तो जो बुक आपको हमने प्रेफर किया है वही बुक से अगर इसका भी तैयारी करते हैं उसका भी तैयारी करते हैं तो दोनों जगह पर आपको प्लस पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। एज की बात करते हैं तो 20 साल से लेकर 28 साल तक आपका जनरल वाले का है, ठीक है। बाकी ओबीसी का बात करें तो 20 साल से लेकर आपका 31 साल तक ओबीसी वाले का है। उसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं तो 20 साल से लेकर आपको इसमें 5 साल का एक्स्ट्रा छूट मिलता है, ठीक है। तो यानी कि 33 साल तक आप एसआई का फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल, इसका एसआई का फिजिकल अगर हम बता दें तो मेल का फिजिकल 1600 मीटर का होगा, जिसमें कि आपको 6.5 मिनट टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसमें कांस्टेबल के बनस्पत इसमें 30 सेकंड ज़्यादा टाइमिंग, यानी कि 0.5 मिनट का टाइमिंग ज़्यादा दिया गया है, ठीक है। 1600 मीटर एसआई में आपको 6.5 मिनट में मारना है। उसके बाद लड़की की बात करें तो 800 मीटर आपको 4 मिनट में कुल मिला के मारना है, ठीक है। तो इसमें भी टाइमिंग ज़्यादा है, 800 मीटर आपको 4 मिनट में लगाना है। लॉन्ग जंप की बात करते हैं अगर हम एसआई में, तो फिर आपको 12 फीट लॉन्ग जंप लड़का के लिए और 9 फीट लड़की के लिए, ठीक। अगेन रिपीट कर दें, 12 फीट लड़का के लिए और 9 फीट लड़की के लिए। हाई जंप की बात करते हैं तो 4 फीट से एक अधिक कम, यानी कि 3.9 फीट अगर लड़का जंप करता है हाई जंप में तो वो पास है, ठीक। और लड़की के लिए 3 फीट हाई जंप है। तो बिहार पुलिस से रिलेटेड और आरपीएफ से रिलेट किया जाए तो रनिंग आपका सेम है, हाई जंप उसमें भी है, हाई जंप इसमें भी है, लेकिन ये क्या है कि हाई जंप इसमें थोड़ा कम है, बाकी लॉन्ग जंप इसमें बहुत ज़्यादा है। तो तैयारी आपको अपने तरीके से दोस्त करना पड़ेगा, और कैसे तैयारी करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या है कि लाइफ में दोस्त कोई कितना भी अपना हो पहले अपना देखता है। तो वैकेंसी कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और टोटल ऑल ओवर इंडिया में 21 जोन है, तो वहाँ पर आप लोग एक बार जाके देख लीजिएगा किसी का वीडियो, ठीक है। 21 जोन में मतलब कि जहाँ पे ज़्यादा फॉर्म भरेगा वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, जहाँ पे कम फॉर्म डलेगा वहाँ पे कट ऑफ कम जाएगा। तो वो चीज़ आप लोग जाके ध्यान से देख लेना, ठीक। और जोन बाय जोन ज़्यादा बेटर रहता है दोस्त। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप तैयारी करेंगे जो बुक हमने आपको बताया अगर उस बुक से आप तैयारी करते हैं तो पक्का 100% श्योर है कि आप आरपीएफ निकाल लेंगे, ठीक है। और ये वर्दी देख रहे हैं, बस ये जुनून होना चाहिए, ठीक है, डिफेंस लाइन में जाने का जुनून होना चाहिए। तो उम्मीद करेंगे कि आप लोग जो भी हमने आपको बताया, ठीक है, और जैसे भी हमने तैयारी करने के लिए आपको बताया कहाँ से सेट लगाना है, कहाँ से मॉक टेस्ट देना है, वो टोटल चीज़ हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। फिलहाल आप तैयारी कीजिए फॉर्म भरने का, 15 अप्रैल से आपको फॉर्म भरने का समय मिला है, ठीक है, और 14 मई तक ये फॉर्म भराएगा। टोटल अगर इसको हम कम्प्लीट करने की बात करें तो 8 से 9 महीना तक में आपको इसका एग्ज़ाम से लेके पूरा प्रक्रिया इसका कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। पहले एएलपी का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, फिर आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर और भी वैकेंसी है, वो आपका जेई का हो गया या फिर आपका ग्रुप डी का हो गया, वो भी वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो ये 8 से 9 महीना तक में फुल इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो आपके पास एग्जैक्ट एज ए हम बोलें तो 4 से 5 महीना आपके पास एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए समय है। तो 4 से 5 महीना तक में लगा दीजिए दम, जिसके पास जितना है, ठीक है। बाकी इतना ही बोलेंगे दोस्त, अगर जोश है, जुनून है, जज्बा है, इसको कभी मरने नहीं देना, ठीक है, और तैयारी करते रहो, एक न एक दिन अपना होगा, ठीक है, गोल टोपी भी होगा और ये बूट भी होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बात को अच्छे से सुने होंगे और
तैयारी में लगे होंगे, ठीक है। आगे जो भी आपको डाउट हो, आप डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं इंस्टाग्राम का भी और टेलीग्राम पे, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो आप मैसेज करना, आपका भाई जवाब देने के लिए हमेशा रेडी है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।